नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है, इनकी एज 35 वर्ष है। सवाल थे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, मैंने सब पूछा। बिजनेस है, जॉब है, क्या है आपके हाथ में, मैं सब कुछ आपके हाथ में देखने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले आपके हाथ में जो नेगेटिव चीज़ है उसको देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं शनि का क्षेत्र है, ये शनि की रेखा है और एक रेखा ने इसको काट दिया। अब ये वी का साइन भी नहीं बन रहा है, ये एक प्रॉपर क्रॉस है। यहाँ से देखेंगे तो प्रॉपर शनि के क्षेत्र पर क्रॉस बन रहा है। ये क्रॉस है, यहाँ पर एक छोटा सा क्रॉस है, दो क्रॉस शनि के क्षेत्र पर बन रहे हैं यानी। और अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पर क्रॉस नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि शनिदेव आपके यहाँ पे मारक अवस्था में मौजूद हैं। शनिदेव के आपको नेगेटिव प्रभाव मिलने वाले रहेंगे। शनिदेव की साढ़े साथी भैया आपके जीवन में जब भी आएगी आपको नुकसान देकर जाएगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं समझ सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं बच्चों का करियर सेटल होने में नुकसान देती है। बच्चों का करियर टाइम पर सेटल नहीं हो पाता और बुढ़ापे में पैसा कमाने के लिए ये रेखा मेहनत करवाती है। तो जो मैं आपको उपाय दूंगा वो क्रॉस के होंगे। शनि पर क्रॉस के उपाय अगर आप करते हैं, रेगुलर करते हैं, डेली करते हैं, तो फिर ये क्रॉस कुछ सालों के अंदर बंद हो जाएगा या फिर ये दिखना बंद हो जाएगा, ये रेखा धुंधली पड़ जाएगी। बट कोशिश ये कीजिएगा कि जो आपको शनि पर के उपाय, क्योंकि शनि पर आपके इतना अच्छी अवस्था में नहीं है, तो शनिदेव के उपाय आपसे डेली हों तो आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। सूर्य के चित्र पर सूर्य रेखा है, अच्छी सूर्य रेखा है और ये वी का साइन बन रहा है, बहुत शुभ साइन होता है। यहाँ पर एक रेखा इस प्रकार भी जा रही है। ये कॉम्बिनेशन करियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन थोड़ी बहुत देने वाली रहती है, बट ऊपर जाके वी का साइन बन रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि व्यक्ति के लिए बड़ी सफलता मिलती है। जितना भी स्ट्रगल संघर्ष रहेगा बट व्यक्ति एक समय पर आकर सक्सेस को पा लेता है, सक्सेस को अचीव करने में सक्षम हो जाता है। ये आपके हाथ में मुझे आपकी रेखा द्वारा दिख रहे हैं। सूर्य प्रताप कहते हैं बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी अवस्था इनकी रेखाओं द्वारा मुझे दिख रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुध के क्षेत्र पर आएंगे तो तीन सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। बुध के क्षेत्र पर तीन सीधी खड़ी रेखा होती है तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को सबसे पहला अपने जीवन में परिवार का भरपूर साथ, अच्छी बिजनेस सेंस, अच्छा व्यापारिक क्षमता, बिजनेस को समझने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है और कहीं ना कहीं वाणी पर पूरा काबू देती है रेखा। व्यक्ति अपनी वाणी द्वारा अपने परिजन एवं गुरुजनों का मान सम्मान करता है और बहुत सारे शुभ लाभ ये रेखा देने वाली रहती है। इसका सबसे पहला शुभ लाभ तो ये मिलेगा कि आप जैसे व्यक्ति को आपके जीवन में अच्छे प्रभाव बुध। तो घर में हरे पर्दे टांग कर और हरी सब्जियों का सेवन कर कर इसके शुभ लाभ को पाया जा सकता है। यहाँ पर धनुषाकार रेखा नहीं बन रही है, इस प्रकार ये रेखा जा रही है। जब व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की रेखा बनने लग जाए तो इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि आप जैसे व्यक्ति अपने जीवन में अपना बहुत नुकसान कर सकते हैं। किस चीज़ को कर कर? इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को छोड़कर आपके जीवन में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज रहेंगी जिन्हें आप छोड़ देंगे। तो कोशिश कीजिए कि जब भी जीवन में बड़ा पैसा आए उसे इन्वेस्टमेंट कर दें। इन्वेस्टमेंट से बड़ा लाभ आपको अपने जीवन में देखने को मिलने वाला रहेगा। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिस होने के चांस है। व्यक्ति के बाद में पछतावा होता है, मैंने बाद में वहाँ पैसा लगाया था, वहाँ इन्वेस्ट किया था तो अच्छा लाभ मुझे मिलने वाला होता है, ये चीज़ होती है। यहाँ पर अगर आएंगे तो सूर्य की उंगली सही है, पिंकी फिंगर छोटी पड़ रही है। जब पिंकी फिंगर छोटी पड़ने लग जाए तो इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि आप जैसे व्यक्ति अपने जीवन में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को छोड़ते हैं। दूसरा, मनी मैनेजमेंट में दिक्कत आती है, पैसे को इन्वेस्टमेंट करने से नुकसान। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन, फाइल हैंडलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना और याद शक्ति, ये सारी चीज़ें आपके में सही अवस्था में रहने वाली रहेंगी। कोई दिक्कत सूर्य के लिए सही है, कोई दिक्कत वाली सूर्य के लिए सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट इसमें एक चीज़ ये है कि गुरु की उंगली छोटी है। जब गुरु की उंगली छोटी रहती है तो व्यक्ति क्रिएटिव पर्सनैलिटी वाले होते हैं, क्रिएटिव हमें चलती रहती है, हमेशा हर चीज़ को लॉजिक से समझते हैं, लॉजिक से सोचते हैं, जहाँ लॉजिक ना मिले उस चीज़ को नहीं मानते। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम नहीं होती। अगर ईगो की वजह से रिश्तों में बदलाव आने लगे, रिश्ते बिगड़ने लगे, तो व्यक्ति अपनी ईगो को साइड पर रख देता है और जोखिम भरा नेचर देखा गया है। जहाँ 1 लाख 10 लाख का रिस्क, 1 लाख 10 लाख का रिस्क बड़ी व्यक्ति आसानी से ले लेता है। ये चीज रहेगी आपके जीवन में। यहाँ पर अगर आपका अंगूठा देखा जाए तो अंगूठे अंगूठे पर यहाँ पर तिल बना हुआ है। जब अंगूठे पर यहाँ पर तिल बना होता है ये आपको इंट्रोवर्ट नेचर देने वाला रहेगा, ये संकेत भी है। सेकंड फ्लैंज पर ये देखिए, ये कॉम्बिनेशन जब हो तो व्यक्ति लॉजिक के साथ नहीं बात रख पाता है, एक तर्क
शक्ति मजबूत होती है। यहाँ पर सीधी घड़ी का संतान सुख भी देती है, तो संतान सुख भी मिलेगा आपको। पुत्र सुख, पुत्री सुख, जो भी आप इच्छा चाहते हैं उसके लिए आपको उपाय दूंगा, उपाय करने से लाभ मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर भी एक संतान सुख अच्छा दिखा रही है, संतान सुख है। खुद भी अभी आपसे कोशिश कीजिए और उपाय कीजिए, आपको लाभ मिल जाएगा। शुक्र का क्षेत्र मजबूत है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बारंबार मिलेंगी और इन्वेस्टिंग से फायदा होने वाला रहेगा। तो देखिए, आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिस करेंगे, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आपसे इन्वेस्टमेंट होता है तो आप लाखों में लगाएंगे अपने पैसे को, करोड़ों में बाहर निकलेंगे। इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में दिख रही है। केतु के क्षेत्र पर मछली बन रही है, ये मोक्ष और मुक्ति का कारक होती है। व्यक्ति अपने जीवन में इतने अच्छे सत्कर्म, अच्छे कार्य करता है कि कहीं ना कहीं केतु के क्षेत्र पर मोक्ष और मुक्ति के संकेत बन जाते हैं। ये चीज आपके हाथ में दिख रही है। बाकी अगर ब्रह्म मुहूर्त में जाकर मेडिटेशन की जाए और गरीब लोगों की आगे बढ़ने में मदद की जाए, अन्नदान किया जाए, वस्त्रदान किया जाए और जरूरतमंदों के काम आया जाए, तो इसके बहुत सारे शुभ लाभ आपको जीवन में देखने को मिलने वाले रहेंगे। अब देखिए, जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा का एक पूर्व निकलकर यहाँ चंद्र की तरफ आया है। जब मस्तिष्क रेखा का एक हिस्सा चंद्र की तरफ आ जाए, तो देखिए ये मस्तिष्क रेखा दो मुही है आपकी, यहाँ से ऐसे चली है, यहाँ से ऐसे चली है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति ख्याली पुलाव बहुत पकाता है। चंद्रमा होते मन के कारक, अंतर आत्मा या व्यक्ति की जो हैबिट होती है, व्यक्ति का जो एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है माइंड का, उसके मालिक चंद्रदेव पाए गए हैं। तो व्यक्ति कहीं ना कहीं इमेजिनेशन बहुत करता है, इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, किसी भी चीज़ को, दूर की चीज़ों को सोचने सक्षम होते हैं, दूरदर्शिता वाली सोच होती है। और इसके साथ साथ व्यक्ति के जीवन में एक प्रॉब्लम ये होती है कि व्यक्ति कभी कभी जब खाली बैठता है तो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, ख्याली पुलाव पकड़ने लगता है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है, इमेजिनेशन पावर बहुत उत्तम पाई जाती है। अगर ऐसे व्यक्ति डायरेक्शन में जाए, जैसे डायरेक्टर वाले जो काम होते हैं मूवीज में, उसमें बहुत लाभ मिलता है। तो किसी भी तरह की बातों को सोचकर, इमेजिन कर परफॉर्म करने वाले कार्यों में लाभ मिलेगा। जहाँ केवल आप इमेजिन से स्टोरी करें, ऐसे व्यक्ति अच्छे स्टोरी राइटर, अच्छे स्टोरी मेकर और अच्छे डायरेक्टर पाए गए हैं। बट ये रेखा कहीं ना कहीं किसी चीज़ की लत भी देती है। लत आपको किसी चीज़ की हो सकती है, लत हो सकती है आपको किसी व्यक्ति की, किसी खाने पीने की चीज़ की लत जरूर होती है। व्यक्ति अपने कंफर्टेबल व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से आने में बाहर व्यक्ति को बहुत दिक्कत परेशानी होती है जब हाथ में इस प्रकार की रेखा हो। तो ये तो हो गई आपकी एक मस्तिष्क रेखा की बात। अब आपकी दूसरी मस्तिष्क रेखा पहुंची है मंगल तक। ये चंद्रदेव है, ये बाहरी मंगल है। एक पहुंची चंद्रदेव तक, एक पहुंची मंगल तक। जब मस्तिष्क रेखा का एक हिस्सा मंगल की ओर पहुंच जाए, ये व्यक्ति को संयम की कमी देता है। व्यक्ति जल्दबाजी में ऐसे निर्णय लेता है, व्यक्ति को नुकसान होता है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिएगा। जल्दबाजी में जो भी निर्णय लेंगे, पैसे के, इन्वेस्टमेंट के, फैमिली वाइज बड़ा निर्णय लेंगे, सबको नुकसान हो जाएगा। तो जीवन में कुछ भी हो जाए, कैसी दिक्कत आ जाए, आपको जल्दबाजी कहीं नहीं दिखानी है। और गुस्से की समस्या भी ये रेखा देती है। व्यक्ति संयम कभी कभी खो देता है, ये चीज़ होने वाली रहेगी जीवन में। बाकी मस्तिष्क रेखा मजबूत है, यहाँ तक तो मजबूत है। इसके बाद ये देखिए, इसमें करवाए लग गए और ये दो मुखी हो गई। तो लगभग मान सकते हैं 36वें वर्ष से जीवन में बदलाव, सोच में बदलाव आ जाएगा और मन भटकने लगेगा, ये चीज़ रहेगी। और ये अंत तक है, तो मत्स्य शिखर का वो उपाय दूंगा मैं। मत्स्य शिखर में आने वाले साल 1-1.5 साल तक ही, मत्स्य शिखर में आने वाले साल 1-1.5 साल में प्रॉब्लम दिख रही है मेरे को। अगर आपकी हृदय रेखा पर आएंगे तो हृदय रेखा सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हृदय रेखा बिल्कुल सीधी है। देखिए, हृदय रेखा जब सीधी होने लगे तो ये व्यक्ति का नेचर स्ट्रेट फॉरवर्ड देती है। सेंसिटिव टाइप पर्सनैलिटी होती है, सीक्रेटिव टाइप पर्सनैलिटी भी होती है। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें बताऊंगी, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनका भी बहुत सारी बातें बताऊंगी। सीक्रेटिव टाइप पर्सनैलिटी लॉजिकल प्रैक्टिकलिटी बनाती है। व्यक्ति कहीं ना कहीं निर्दयी भी देखा गया है, या तो ज़्यादा भावुक होते हैं या ज़्यादा निर्दयी हो जाते हैं। और देखिए, हृदय रेखा लोगों के हाथ में ऐसे निकलती है और इस प्रकार पहुँचती है। आपके हाथ में हृदय रेखा गई है गुरुदेव बृहस्पति तक। गुरुदेव बृहस्पति तक जब हृदय रेखा चली जाए तो ये इस बात का संकेत होता है कि व्यक्ति का भाग्य उदय होगा, चैरिटी के द्वारा, लोगों के भले के द्वारा, कर्म के द्वारा, अच्छे कर्म दान दक्षिणा के द्वारा व्यक्ति का भाग्योदय जीवन में होगा। तो इस बात के पूर्ण योग आपके हाथ में आपकी रेखा मुझे दिखा रही है। जीवन रेखा पर आएंगे, जीवन रेखा सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ऑफशूट है लगभग 65वें वर्ष के आसपास, तो इस एज में आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। कोई बड़ी खुशखबरी, बड़ा लाभ जीवन में इस एज में मिलने वाला रहेगा। बाकी यहाँ पर बुध रेखा निकली है ये, लेकिन पूरी नहीं निकली है।
तो बुद्ध रेखा यहाँ से निकली है। देखिए बुद्ध रेखा जब किसी व्यक्ति के हाथ में होती है, ये आपको अच्छी हेल्थ देगी और कहीं ना कहीं अपनी हॉबीज, अपनी इंटरेस्ट, अपनी मनपसंद चीज़ों पर काम कर कर आप ये रेखा देने वाली रहती है। तो इस चीज़ के पूर्ण योग आपके हाथ में आपकी रेखा द्वारा मुझे दिख रहे हैं। बाकी ये रेखा व्यक्ति को सफल व्यापारी बनाती है। तो अगर व्यापारी बनना चाहे, बिजनेस करना चाहे, चाहे किसी भी चीज़ का हो, बट व्यापार से लाभ आपको मिलने वाला रहेगा, व्यापार से लाभ आपके हाथ में है, इसी के पूर्ण योग में देख पा रहा हूँ। बाकी यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर आपकी मनी ट्रायंगल बन गया है। देखिए मनी ट्रायंगल का मतलब बनना मतलब क्या होता है, मनी ट्रायंगल का मतलब सबसे पहले ये नहीं होता कि आप अमीर होंगे। दो दो मनी ट्रायंगल है, एक ऊपर एक नीचे, ये दो मनी ट्रायंगल आपके हाथ में दिख रहे हैं। तो जब दो दो मनी ट्रायंगल होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति पैसा बचाने में सक्षम है और आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आपके हाथ में आपको अच्छा भाग्य मिला है परमात्मा की कृपा से, अच्छा आपको जीवन में ये स्वास्थ्य मिला है और अच्छा दिमाग मिला हुआ है, ये ट्राइंगल दिखा रहे हैं। बाकी पैसा बचाने में, पैसे को सेव करने में सक्षम रहेंगे, इन्वेस्टमेंट अगर करते तो लाभ मिलने वाला रहेगा, पैसे से पैसे बनाने की कला जो है वो आपके अंदर बहुत मजबूत है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी वगैरह मुझे नहीं दिख रही है। तो मैंने आपके 5 वर्ष पूरा कर दिया है, मैं आशा करता हूँ कि आपको आपको सारी सुविधा मिल जाएंगे। देखिए आपके 5 की हाइट क्या थी, जीवन का मजबूत है, तो लंबा जीवन है, अच्छा जीवन है, स्वस्थ जीवन है, फैमिली का भरपूर जीवन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो समस्या आएगी आपको क्या आएगी, एक तो दिमाग बदलेगा, दिमाग भटकेगा और लत लगेगी, चाहे इंसान की चाहे खाने पीने की चीज़ की, गुस्से की समस्या आएगी अगर जीवन में, संयम की कमी होगी, शनि पर दोष बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भाव देने वाला रहता है। ये दो उपाय मैं आपको देने वाला रहूँगा और आपके हाथ में और कोई उपाय देने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। संतान की रिगार्डिंग इच्छा पूर्ति हो जाए, इसके मैं आपको उपाय दूंगा और आपके हाथ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर होती तो मैंने आपको वीडियो में शेयर कर दी होती। बाकी हाथ में सब कुछ सही है, एक भाग्य रेखा मजबूती लाने के उपाय मैं आपको दूंगा, क्योंकि भाग्य रेखा जितनी मजबूत होनी चाहिए उतनी मजबूत है नहीं भाग्य रेखा, तो भाग्य रेखा के रिगार्डिंग उपाय आपको देने रहेंगे। तो मैंने आपके पाम का चीज पूरा कर दिया है, मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारी सुविधा मिल गए होंगे। इसके बाद भी आपकी कोई डाउट कोई रह जाए तो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछ लेना हो, तो आप वीडियो देखने के तुरंत बाद व्हाट्सएप पर ही अपना रिव्यू शेयर कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई सवाल रह गया हो तो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछ लेना उसी के रिगार्डिंग, और ध्यान से उपाय जरूर लिख दीजिए कि उपाय किस किस चीज़ के देने हैं, मैंने इसे बताया था वीडियो में, तो उपाय भी लिख दीजिए कि आप मुझे इस चीज़ के उपाय दे दीजिए, तो मैं आपको सारे उपाय डिटेल में देने वाला रहूँगा। उपाय हम आपको आप हमें आप इस वीडियो में हमेशा देख पाएंगे, 5 साल, 10 साल, 15-20 साल, ये हमेशा मेरे चैनल पर पड़ी रहे, ये हमेशा मेरे चैनल पर रहेगी, तो आप जब चाहे तब इस वीडियो को खुलकर देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।